तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नाउ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पहले हम इसका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, और उसके बाद आएंगे सीधा इसके क्वेश्चंस के ऊपर, राइट? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या मेजर करता है? डिस्पर्शन मेजर्स फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, डेटा में कितना डिफरेंस है, कितना फ्लक्चुएशन है, ये कौन बताता है? डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन मेजर करेगा। जैसे किसी क्लास के अंदर हमने टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद अलग अलग मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। किसी के 8 मार्क्स है, किसी के 4, देन 5, किसी के 3 मार्क्स है, किसी के 9 है, किसी के 10 है। दैट मीन्स हर किसी के मार्क्स वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर्स। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो सारे के सारे मार्क्स कहीं ना कहीं डेविएट करते हैं फ्रॉम द एवरेज मार्क्स। इसी चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया? डेविएशन, डेविएशन और फ्लक्चुएशन अमंग द ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, डेटा है, उसमें डिफरेंस। तो इस डिस्पर्शन को मेजर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकेंड वन इज नोन एज रिलेटिव मेजर। तो दो मेन तरीके हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। नाउ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा एब्सोल्यूट, एंड सेकेंड के अंदर हमने लिखा है रिलेटिव। ओके, नाउ एब्सोल्यूट का मतलब है यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वी मेजर चेंज। यहां पर हम चेंज को मेजर तो कर रहे हैं, बट यहां पर जो चेंज मेजर करते हैं उसका कोई ना कोई यूनिट अवेलेबल होता है। ओके, सो इट शोज अमाउंट ऑफ वेरिएशन। एब्सोल्यूट मेजर क्या करता है? अमाउंट ऑफ वेरिएशन शो करता है, वेयर एज रिलेटिव मेजर शोज डिग्री ऑफ वेरिएशन। नाउ अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ वेरिएशन में क्या फर्क है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द सिंपल एग्जाम्पल। किसी पर्सन की सैलरी पहले थी 10,000 रुपीज, अब ये 10,000 से बढ़ करके कितनी हो गई? 12,000। तो इस पर्सन की सैलरी में कितना वेरिएशन हुआ है? आंसर इज वेरी सिंपल, हमें पता है इस पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो गई बाय रुपीज 2,000। तो हम यहां बोलेंगे 2,000 रुपीज का वेरिएशन है। तो देर इज अ वेरिएशन ऑफ रुपीज 2,000। तो हम अमाउंट में इसको मेजर कर रहे हैं, नंबर में मेजर कर रहे हैं, जिसका कोई पर्टिकुलर यूनिट है। लेकिन रिलेटिव मेजर में हम क्या कहते हैं कि सैलरी बड़ी तो है, लेकिन कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो डिग्री का मतलब हो गया या तो हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर इन टर्म्स ऑफ अ रेशियो, हम उसको रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो कितनी सैलरी बड़ी है? 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 100। दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली स्टेट दैट सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%। तो सैलरी का जो हाइक है वो 20% हो चुका है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डेटा वही है लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। देन पॉइंट नंबर सेकेंड, एब्सोल्यूट मेजर में हमने देखा कि कोई ना कोई यूनिट तो लगेगा, चाहे वो रुपीज है, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट लग सकता है। वेयर एज रिलेटिव इज यूनिट फ्री, ये यूनिट फ्री है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है। तो रिलेटिव का यूज क्या है? ये यूज आता है कंपेयर करने के लिए। जहां भी आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, तो फिर हम क्या करते हैं? रिलेटिव मेजर को यूज करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट यूज फॉर कंपैरिजन, इसको नॉर्मली कंपैरिजन में काम में नहीं लिया जाता है, राइट? देन एब्सोल्यूट इज इजी टू कैलकुलेट
Whereas relative is comparatively difficult, not actually much difficult, but yes, comparatively difficult. तो absolute measure में इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ते हैं? One is range, second is quartile deviation, then mean deviation and standard deviation. तो ये चार चीजें हैं जो हम इस absolute measure में पढ़ते हैं. Relative के अंदर क्या आ जाएगा? इन सब के coefficient. तो कोफिशियंट ऑफ रेंज, क्यूडी, एमडी एंड एसडी, इन चारों के कोफिशियंट्स. तो इन सब के ऊपर भी एग्जाम में कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन चुके हैं. हम भी अभी नोट्स में से क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे कहा रिलेटिव मेजर का यूज होता है कंपेरिजन करने के लिए. नाउ कंपेरिजन कैसे, कि एक पर्सन की सैलरी है वो 5,000 से इंक्रीज हो गई, वो 5,000 से इंक्रीज हो गई. दूसरा पर्सन, ये पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, उस पर्सन की भी जो सैलरी है ये 5,000 से इंक्रीज हो गई. अब यहां पर हमने देखा, दोनों को कंपेयर किया कि सैलरी तो दोनों की 5,000 से इंक्रीज हुई है, लेकिन जो ए है वो खुश नहीं है, वो अपने इंक्रीमेंट को लेकर के खुश नहीं है, लेकिन बी अपने इंक्रीमेंट को लेके बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है. नाउ दोनों के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक होगा. क्या लॉजिक है? कि ए की जो सैलरी थी पहले, पहले थी 1 लाख रुपीस, अभी कितनी हो गई? 1,05,000. तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 5% का इंक्रीमेंट हुआ. वहीं पे बी की सैलरी थी पहले 10,000 और 10 से बढ़कर के कितनी हो गई? 15,000. तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हुआ? 50%. तो यहां पर कई बार होता है अमाउंट को देख करके हम जज नहीं कर पाते हैं कि हमें खुश होना है या दुखी होना है, हमारा रिएक्शन क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम परसेंटेज को देखते हैं तो हमें पता लगता है क्या ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है. तो ए के लिए परसेंटेज बहुत कम था लेकिन बी के लिए परसेंटेज बहुत अच्छा था, तो इसके लिए हम कंपैरिजन जहां भी करेंगे रिलेटिव मेजर को यूज करते हैं. ऑलराइट, यहां तो कोई डाउट नो? ओके, आई थिंक एवरीवन इज देयर. यस, नाउ अब हमने यहाँ पे चार पॉइंट्स को डिस्कस किया है, चार पॉइंट्स के नाम देखे हैं. तो इसमें सबसे पहला आता है रेंज. तो थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं. फर्स्ट वन इज रेंज. नाउ रेंज क्या है? रेंज सबसे फास्ट डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का तरीका है. तो इट इज द क्विकेस्ट मेजर टू कैलकुलेट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन को फाइंड करने का सबसे फास्ट तरीका है. सबसे अच्छी बात क्या है? ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड भी नहीं है, सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन इसको चाहिए. कौन से? एक हाईएस्ट वैल्यू और दूसरा लोएस्ट वैल्यू. सिर्फ दो वैल्यू इसे चाहिए, बाकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. किसका? रेंज का. सो इट इज अ क्रूड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट डिस्पर्शन एंड इट इज मोस्ट अनरिलायबल. अब जैसे मान लेते हैं 100 आइटम्स का डेटा अवेलेबल है, बट हमें तो सिर्फ सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू से मतलब है, तो बाकी को तो जब हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी अनरियलिस्टिक, हम उस पे रिलाय नहीं कर सकते हैं. तो ये सिर्फ बड़े तौर पे, मोटा मोटी तौर पे एक रफ आइडिया हमें दे सकता है लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता है इन कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन. इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी हो, डज नॉट मैटर, वो मैटर हमें नहीं करेगा. हमें तो सिर्फ क्या देखना है? हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू. देन रेंज इज इनडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्किल. इसका क्या मतलब है? तो इसको छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रेंज. 10, 25, 40, 38, 22 and 50.
नाउ अब आपको यहां देखना है रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज का सिंपल फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो व्हाट विल बी द रेंज इन दिस केस, तो 50 माइनस 10 दैट इज 40। तो इस जगह पे हमारा रेंज कितना हो चुका है 40। नाउ अब इसमें ये जो हमने रेंज निकाला है ये निकलता है किसमें, एब्सोल्यूट टर्म्स में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट टर्म्स। बट अगर हमें रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव को हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट। तो कोफिशियंट ऑफ रेंज अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बहुत इजी है, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय 100। एच माइनस एल डिवाइडेड बाय एच प्लस एल इंटू 100। नाउ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे, 50 माइनस 10 40 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10 60 इंटू 100, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 66.67%। तो दिस इज योर रिजल्ट। नाउ क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है सो इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 0.666। दिस विल बी योर रिजल्ट, या फिर आप राउंड ऑफ करके 0.67 भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर परसेंटेज में लिखना है जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल में लिखना है डू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हमने यहां देखा रेंज किस पे डिपेंड किया, एक हाईएस्ट वैल्यू पे जो कि यहां 50 है और दूसरा लोएस्ट वैल्यू पे, बाकी बीच वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इन दोनों के बीच में 10 वैल्यू और लिख दूं क्या रेंज पे कोई फर्क आएगा, नो, रेंज विल रिमेन अनअफेक्टेड, रेंज पे कोई असर नहीं आएगा। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप सबको आंसर करना है, इफ इस ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10 देन व्हाट विल बी द न्यू रेंज, तो रेंज की वैल्यू क्या होगी। यस कम ऑन एवरीवन, ये आपको आंसर करना है। What will be your result? Anyone? Okay, सबका कमेंट आ चुका है। सुचियांग says 40, Aruiz is 40, Navya no change, that is again 40, Anshika says decrease by 10. Kavya says 40, Arohi no change, remain same, unchanged. Okay, so final answer is it remain unchanged, range ki value same rahegi, because jab humne sare observation ko increase kiya to highest and lowest ke beech ka jo difference hai that will remain constant, highest value ban jayegi 60, lowest value ban jayegi 20, so range will be again 40. ओके, तो दिस इज नोन एज चेंज ऑफ ओरिजिन, जब हम सारे ऑब्जर्वेशंस को एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं देन दिस इज रिगार्डेड एज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहां पर चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, सो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड by 2 then what will be the new range, तो फिर रेंज कितना होगा, इस बार हमने सबको मल्टीप्लाई किया है, so what will be your answer, so come on everyone,
सो सोचियांग सेज 80, 80, आरोही, अंशिका 80, काव्या 80, यस एवरीवन सेज 80, 80 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू विल बिकम 100, लोवेस्ट वैल्यू विल बिकम 20, देयरफॉर रेंज विल बी 80. तो इन शॉर्ट अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, रेंज गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल की वजह से अफेक्ट हो चुका है, राइट? सो रेंज वी हैव डन. देन नेक्स्ट वन इज क्वार्टाइल डेविएशन. ओके वन मोर थिंग, इफ हम यहां पे कहते हैं रेंज में, रेंज अभी हमने कैलकुलेट किया, अब एक टर्म आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज. नाउ व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो यहां पर दो मेन टर्म्स है, वन इज क्वार्टाइल एंड सेकंड वन इज रेंज. तो कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, तो ये हमें पता है देर आर थ्री क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3. इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, Q3, एंड लोएस्ट किसका होता है, Q1. सो रेंज इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, देयरफॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1. सो दिस इज द फॉर्मूला. एंड इफ यू रिक्वायर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला. सेमी का मतलब होता है हाफ. सो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बिकम योर फॉर्मूला. एंड इस सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन. तो दिस इज कॉमनली नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन. तो यही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है किसके लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए. एंड दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर. तो यहां पर अमाउंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट होगा. बट इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कोफिशियंट, दैट इज द रिलेटिव मेजर, तो क्या लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 100, मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. नाउ अब से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या है. द फर्स्ट वन सेज क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द रेंज बिटवीन द क्वार्टाइल्स. तो यही हमने फॉर्मूला लिखा है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. देन इट इज बेस्ड ऑन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, बिकॉज हमने Q3 एंड Q1 को यूज किया है, तो इट इज बेस्ड ऑन दीज टू क्वार्टाइल्स एंड इट कवर्स द मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इन दोनों के बीच में कितना एरिया होता है, 50%. ये 50% कैसे आया, अगर आपको क्वार्टाइल के बारे में आइडिया है देन फटाफट से क्लिक होगा आपको अभी. क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल डिवाइड्स एंड अरेंज सीरीज इनटू फोर इक्वल पार्ट्स. फोर इक्वल पार्ट्स हैं, फर्स्ट 25%, नेक्स्ट 25%, देन फिर से नेक्स्ट 25%, एंड फर्दर नेक्स्ट 25%. तो हर एक पोर्शन में कितना होता है, 25%. नाउ दिस इज Q1 एंड लास्ट वन इज Q3, Q1 एंड Q3. तो इन दोनों के बीच में कितना परसेंटेज कवर हो रहा है, इट इज सिंपली 50%. सो क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये बीच के 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, तो स्टार्टिंग के 25% का कोई यूज नहीं है, लास्ट के 25% का भी कोई यूज नहीं है. ये वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इट विल नॉट अफेक्ट क्वार्टाइल डेविएशन. सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, क्यूडी क्यूडी इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके
राइट, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये हमने देख ही लिया है. देन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लास इंटरवेल, ये हमने मीडियम के साथ में डिस्कस किया था. जब क्लास इंटरवेल ओपन एंड होता है, दैट मींस लास्ट में क्या लिखा मिलेगा आपको, अबव 70, या स्टार्टिंग में आपको लिखा मिलेगा बिलो 30. इस तरह के जो इंटरवेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवेल. तो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट मेजर ऑफ क्वार्टाइल, सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, देन क्वार्टाइल डेविएशन पे भी सेम चीज लागू होती है जो रेंज पे होती है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. मतलब ओरिजिन का अफेक्ट इस पे नहीं होगा. तो किसका होगा, चेंज ऑफ स्केल का अफेक्ट होगा. तो स्केल से अफेक्ट होगा बट ओरिजिन से नो इफेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन. तो क्वार्टाइल डेविएशन का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो लेट्स टेक द वैल्यूज 10, 12, 20, 24, 32, 40 एंड देन 60. तो ये सारी वैल्यूज हो गई हमारे पास में. दीज आर द 7 ऑब्जर्वेशंस. नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज. नाउ इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, Q3 एंड Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो लेट्स कैलकुलेट Q1. जब भी आप निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ Q1. तो लेट्स राइट द रैंक ऑफ Q1. नाउ Q1 की रैंक कैसे निकलेगी, n प्लस 1 बाय 4. सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 7 ऑब्जर्वेशंस. तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ Q1, इट विल बी सेकंड रैंक. नाउ सीरीज अरेंज्ड होना जरूरी है, कंपलसरी है, एंड इस केस में सीरीज ऑलरेडी अरेंज्ड गिवन है. तो सेकंड प्लेस पे कौन है, 12. तो 12 इज Q1. सिमिलरली फाइंड आउट द रैंक ऑफ Q3. Q3 का रैंक क्या होगा, 3 इंटू 7 प्लस 1 बाय 4, दैट इज सिक्स रैंक. एंड सिक्स प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, इट इज 40. नाउ Q1 एंड Q3 दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो Q3 इज 40 माइनस Q1 इज 12. सो योर रिजल्ट इज 28. दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. एंड सेकेंडली आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन. तो सिंपली Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दिस विल बी 14. सो 14 इज योर आंसर. ओके, यस. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 28 एंड क्वार्टाइल डेविएशन बिकम्स 14. नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको अपने आप कैलकुलेट करना है अभी. So let's write the question. Let's take the values 100, 120, 160, 180, 200, 250, and 300. Find out quartile deviation. ओनली क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है. सो कम ऑन एवरीवन, क्वार्टाइल डेविएशन. बहुत इजी है. सेम पैटर्न में पहले रैंक कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्वार्टाइल and then quartile deviation. Yes, Navya has given the answer 65. That's good. Anybody else? Baki sabka bhi fatafat answer de dijiye. Arohi says 65. That's good. Suchyang says 65. Okay.
जानवी 65, यस एवरीवन हैज कैलकुलेटेड 65, परफेक्ट. सो जब भी आपके पास 7 ऑब्जर्वेशंस है, ऑलवेज देयर इज अ शॉर्टकट. 7 ऑब्जर्वेशन मींस सेकंड वैल्यू फ्रॉम द बिगनिंग एंड सेकंड वैल्यू फ्रॉम द एंडिंग. ये क्या हो गए आप दोनों के क्वार्टाइल्स, ये आपके क्वार्टाइल हो गए बिकॉज दीज आर 7 वैल्यूज. नाउ 250 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, इट विल गिव यू 65. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. तो कोफिशियंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो द आंसर. So what is the correct answer for the coefficient? Yes, come on everyone. So, Sujiang says 35.1, Kavya 35.1, then Arui 35.1, Navya says 22.81. No, correct is 35.135. Yes. इसी को आपको simply calculate करना है on the calculator. It is 130 upon 370 multiply by 100. So it is 35.135%. Round off करके 1/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. So this is coefficient of quartile deviation. All right. Now let's read the features about mean deviation. Now, mean deviation क्या है? It is based on all observation. Range सिर्फ दो values पे depend कर रहा था. Quartile deviation was based on 50% observation. कौन से 50%? Middle 50% observations. Now, mean deviation is based on all the observation. ये सारे observation को काम में लेने के बाद ही calculate किया जा सकता है. तो इसलिए इस पे हम भरोसा कर सकते हैं. तो इट प्रोवाइड्स मच मच बेटर डिस्पर्शन. तो इसमें डिस्पर्शन की वैल्यू बहुत प्रॉपर आती है, फर्स्ट क्लास आती है एज कंपेयर टू रेंज एंड क्यूडी. देन मीन डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएंस इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन taken about mean, median or mode. ये statement बताना चाहता है mean deviation का formula. तो क्या formula है mean deviation का? It is sigma modulus x minus central value upon n. Sigma mod x माइनस सेंट्रल वैल्यू अपॉन n. नाउ सेंट्रल वैल्यू का मतलब यहां पर क्या है? इट इज मीन और इट कैन बी मीडियन और इट कैन बी मोड. इन शॉर्ट हम यहां पे डेविएशन मीन से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी टेकन फ्रॉम मीडियन और मोड, कहीं से भी आप डेविएशन ले सकते हैं. तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा हमें एग्जाम में करना है. ऑलराइट, सो एब्सोल्यूट डेविएशन इंप्लाइज डेविएशन विदाउट एनी साइन. तो यहां पर हमें जो डेविएशन लेना है, जो हमारा रिजल्ट आएगा, दैट इज ऑलवेज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब पॉजिटिव टर्म्स में होना चाहिए. इसके लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? मॉड्यूलस. तो दिस साइन इज नोन एज मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस का मतलब है जहां पर आप नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, आपको साइन लगाना ही नहीं है. अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे?
डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक मीन से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। देन सिंस सम ऑफ डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन अबाउट मीडियन, जब हम डेविएशन मीडियन से लेते हैं, जब डेविएशन मीडियन से लिया जाता है, देन द वैल्यू इज द लोएस्ट। तो सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम इज द लोएस्ट वैल्यू, ये वैल्यू सबसे कम होगा। देन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का क्या होगा, सेम जैसा रेंज में था, क्वार्टाइल डेविएशन में था, सेम यहां पर भी अप्लाई होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का नो इफेक्ट, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट होगा। ओके, सो दिस वी कैन राइट द फॉर्मूला एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, देन एक्स बार की प्लेस पे आप मीडियन भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। बट जैसे ही सीरीज आपका डिस्क्रीट या कंटिन्यूस होता है, देन यू हैव टू यूज द फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन इन प्लेस ऑफ एन, एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ सिग्मा एफ। सब डेविएशन मीन मीडियन या मोड कहीं से भी ले सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन। सेकेंड इज द कोफिशियंट। अगर आपको कोफिशियंट कैलकुलेट करना है तो कोफिशियंट का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, अगर आपने मीन से डेविएशन लिया है देन डिवाइड बाय मीन, अगर न्यूमरेटर में आपने डेविएशन मीडियन से लिया है देन डिवाइड बाय मीडियन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let's take the values 1, 2, 3, 4 and 5. Now, question ने मान लो आपको बोला, calculate mean deviation about mean. So, पहले हमें x bar calculate करना पड़ेगा, और x bar का formula क्या होता है, sigma x upon n. So, let's calculate sigma x. Sigma x कितना आता है आपके पास, 15, divided by 5 observations, you get 3. तो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने मीन को कैलकुलेट किया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मॉड एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। सो मॉड ऑफ 1 माइनस 3, सो व्हाट यू विल राइट, 2, नेगेटिव 2 नहीं लिखना है, ओनली 2। देन 2 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 is 1 and 5 minus 3 is 2. Now next step is to add all these values. Kitna jayega total? 6. Now to calculate the mean deviation, sigma mod x minus x bar upon n. So 6 divided by 5. So what is the result? 1.2. So 1.2 is your mean deviation. ये आपका final result है. Okay? So, अभी तक हमने mean deviation तक आपका revise किया है. अब इसके कुछ questions थे जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आज आपको try करने हैं. The first portion is theoretical questions. So, theoretical questions आपको try करना है up to 15. Yes, up to 15 आप try कर सकते हैं theoretical questions, and then practical questions. ये आपका practical questions, इसमें आपको करना है range, this we have covered, then quartile deviation, B part, then mean deviation in individual series, C part. Yes, up to C part आपको आज try करना है, और इस 3 पोर्शंस में अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे पहले। तो आज आपको मेनली यही यहां तक ट्राई करना है, फर्स्ट 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 12, यहां तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद कल हम इसका रिमेनिंग पोर्शन फिनिश करेंगे फ्रॉम द नोट्स, एंड आफ्टर दैट
एग्जाम के एडिशनल क्वेश्चंस एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस नोट्स में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने लायक है, वो क्वेश्चंस भी इस नोट्स में आपके कवर्ड हैं। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस पे और जाएंगे। सो काव्या इज आस्किंग वेयर आई विल गेट द क्वेश्चंस। तो जो भी लोग रजिस्टर हो रहे हैं, मैं उनका एक सेपरेट ग्रुप अभी बनाने वाला हूँ और ऑन द एप्लीकेशन ओनली, और उस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको सारे एडिशनल क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा। ओके तो वहीं पर आपका ये सारा कुछ आ जाएगा। ओके आरोही, जानवी, काव्या, यस, तीनों के क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। और अगर आपके फ्रेंड्स या और कोई पर्सन जिसको जिसको भी लाइक रिवीजन सीरीज ज्वाइन करना है, तो आप उनको जरूर शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप उनको शेयर करें, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑल्सो। एंड उसके अंदर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो शायद आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है, आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है और उसने 1000 डिपॉजिट किया है,